हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम लव चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि पानी कब ज़रूरी होता है आपके लिए पीना, कि आपको उस टाइम में ज़रूर पानी पीना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप भूखे हों तो एक गिलास पानी पी लीजिए, इससे आप खाने में लेने वाले ज़्यादा कैलोरी इंटेक से बच जाते हैं और आपकी ज़्यादा कैलोरी जाती भी नहीं है, मोटापा भी नहीं बढ़ता है इसकी वजह से। तो भूख और उससे भूख भी मिट जाती है आपकी एक गिलास पानी पी लेने से। नेक्स्ट है, सुबह उठने के बाद एक गिलास ठंडा पानी पीने से बॉडी एक्टिव हो जाती है और बॉडी को मैसेज मिल जाता है कि अब एक्टिव होने का टाइम हो गया है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक गिलास पानी ज़रूर पिएं। नेक्स्ट है, खाना खाने के पहले पानी पीने से आप फुल फील करते हैं, इससे आप खाना भी कम खाएंगे और जब आप हाइड्रेट होते हैं तो पेट खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप एक गिलास ज़रूर पानी पिए, इससे आपका मोटापा भी बचेगा और आप लिमिट का खाना खा पाएंगे। नेक्स्ट है, जम से गिरे होने पर ज़रूर पानी पीना चाहिए। जब आप कहीं पे हॉस्पिटल या आउटसाइड जाते हैं जहाँ पे कचरा वगैरह रहता है, जहाँ पे बीमार होने की ज़्यादा आशंका होती है आपको, वहाँ पे आपको ज़रूर पानी पीना चाहिए। या फिर आप बीमार लोगों से घिरे हुए होते हैं, कहीं हॉस्पिटल में किससे मिलने जा रहे हैं, तो उस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो आप हॉस्पिटल में आउटसाइड में जाते हैं, बीमार लोगों से घिरे रहते हैं, तो एक गिलास पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। इससे आपकी बॉडी जर्म और वायरस को दूर करने का काम करती रहेगी। इससे पानी अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इस टाइम ज़रूर पिए। नेक्स्ट है, वर्कआउट से पहले पानी पीना आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाता है, इसलिए आप वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट करते समय कई गिलास पानी पी लेना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपको एक नैप की ज़रूरत है और आप कहीं सो नहीं पा रहे हैं तो सोने की जगह एक गिलास पानी पी लीजिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि थकान भी डिहाइड्रेशन का एक संकेत है। पानी पी लेंगे तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और आपकी थकान मिट जाएगी इससे। तो इस टाइम पे पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको थकान सी फील होते है उस टाइम आप पानी पी लीजिए, इससे आप फ्रेश फील करेंगे पानी पीने के बाद। तो आप इस टाइम भी आपको पानी पीना ज़रूर अनिवार्य है, ये बहुत ज़रूरी है, पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है, बीमार होने पर, जब आप बीमार होते हैं तो पानी पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पानी पीने से आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है, इससे आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो जाती है उसमें। तो बीमार होने पर पानी पीने से आप जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो आप जब भी बीमार हो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए उस टाइम, ताकि आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे और आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता मिले। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी शाम के नाश्ते से पहले पिए, आपका पेट भरा रहेगा और आप ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं ले पाएंगे। अगर आप शाम को ज़्यादा हेवी नाश्ता ले लेते हैं तो फिर आप डिनर नहीं कर पाएंगे रात को, और फिर इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मोटापा भी हो जाएगा अगर आप हेवी नाश्ता ले लेंगे। तो आप नाश्ता के टाइम भी पानी ज़रूर पिए। एक गिलास पानी आप सोने से पहले पी लीजिए, इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचाव होता है। तो ये था मेरा वीडियो कि पानी आपको कब ज़रूर पीना चाहिए। ऐसे पानी पूरे दिन में पीना चाहिए, लेकिन आपको किस किस टाइम ज़्यादा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।